बेलाशी में दु दिवस फुटबॉल टूर्नामेंट अनुष्ठित। नमस्कार मु सोनाली स्वागत करोड़िया न्याली ब्लॉक अंतर्गत बेलाशी ग्राम से श्री गोपाल जीव एवरग्रीन फुटबॉल क्लब आनुकूल्य दु दिवस क्रीड़ा अनुष्ठित। दुई दिन 16 टीम भाग लेता बेले जो टीम विजय लाभ करे से टीम को 10,000 और रनर्सअप टीम को 7,000 प्रदान करा। मुख्य अतिथि रूपे अतिरिक्त तहसीलदार श्रुतिरेखा दास, सरपंच सवितानंद, सवि सभ्य संपद महांती एवं प्रधान शिक्षयित्री चारुलता बेहरा जगदे फुटबॉल टूर्नामेंट को उद्घाटन करथिले। उपस्थापक ललाटेन्दु साहू, एवरग्रीन अध्यक्ष चक्रधर राज, सभापति विष्णुचरण डालुआ और संपादक विज्ञान महांती कार्यक्रम को परिचालना करथिले। न्याले बिलासुनी रो ललाटेन्दु साहू का रिपोर्ट, जी न्यूज ओडिया। सरपंच बिलासुन पंचायत जो खेल उद्घाटन होती बिलासुन पंचायत आज गोपबंधु एवरग्रीन यूथ क्लब आंचलिक युव परिषद आनुकूल्य बिलासुन पंचायत फुटबॉल खेल दुदिवसीय फुटबॉल खेल हो। प्रथम धन्यवाद जनईबी एवरग्रीन फुटबॉल टूर्नामेंट समस्त कर्मकर्ता समस्त सदस्य मानक आउ बिलासुन पंचायत समस्त अंचलवासी को से मानकर सहयोग क्रमे दीर्घ दिन हम ए अंचल फुटबॉल खेल अनुष्ठित हो। आसवा सब पाने भी अनेक आड़ पे आुटबल खेलवाई मुझे कहबी फुटबल खेल भाईचारा खेल भल्ले खेलतु रेफरी को कथ मानी खेलतु आउ निज अंचल गर्व नि गर्व गर्व ने निजपाई परिचय सृष्टि कर मोर खेल अनुष्ठित हो। युव परिषद आंचलिक युवक मानक नहीं कि जोड़ा खेल अनुष्ठित हो ये दी दिन पैंकि खेल आयोजन कराई तेणुक ये जो आंचलिक परिषद जो खेल टी कर जो भाई मैंने सब कर बहुत 15-16 टीम के आणिक दी दिन खेल हम ये अंचलवासी भी ये खेल बहुत खुशी तेणुक आम सब बहुत गुरुजन लोक स्कूल टीचर हेडमास्टर सब आसिक पहुँचती तेणुक खेल टी ठीक भाव चलिए अंचलवासी भारी खुशी अच्छा। पूर्वतन सरपंच बिलासुन ग्राम पंचायत कौन कहे पंचायत में बारंबार फुटबॉल खेल पूरा फुटबॉल खेल को पंचायतवासी मैंने गुरुत्व देखते आप आगे त्वरावित करेंगे यहाँ आज नुह 1970 मसीह आम श्री बड़ भाई शरत स्मारक नाम खेल उज्जीवित अच्छी यह आम अंचल गर्व और गौरव यह आम अंचल गोटे परंपरा सृष्टि कर भाईचारा सृष्टि करूँ बहुत दूर दूरांत खेला बंधु मैंने आसती मुझे पूर्व जड़े खेला बिलासुन एवरग्रीन फुटबॉल टूर्नामेंटर टीम्र कैप्टेन थी तेणुक मु ये अंचलवासी पाखे चीर कृतज्ञ चीर ऋणी जे मैंने संपूर्ण भाव सहयोग कर खेल को आज पर्यटन उज्जीवित रखिंट आज जो उद्घाटन मैच आरंभ सारी आम स्थानीय सरपंच महोदय उद्घाटन कर सारी एथर 16 टीम भाग नौ आमर आज 8 टीम खेलिए एथर जे विनर रही 8 टीम खेलिए जो विनर रीटा विनर का लास्ट मैच खेल चंपियन रनर्स कप दिया प्राइस प्राइज एथे क्या प्राइज आम 10,000 7,000 अच्छी तापर उथ सिल अच्छे उद्यापन उत्सव गणेश्वर बेहरा मुख्य अतिथि भाव जोगदे सहित आर उप अतिथि मैंने मानने सदैव स्वीकृति प्रदान करते ललाटेन्द्र साहू एवं इन आंचलिक युव परिषद सभ्य कौन कहते हैं प्रोग्राम आम आंचलिक युव परिषद समस्त सभ्य मान द्वारा आयोजित प्रति वर्ष यही दुदिवसीय प्रभु श्री गोपाजी नाम से फुटबॉल खेला आयोजन कराए 16 गोटी दल अंशग्रहण करुँचन धरी चालू रजर विजेता जे 8 दल मध्य जो मैंने आसंता का 8 दल खेल ताधर विजेता आसंता का फाइनाल खेल खेल से भितर जे विजेता हे आमर विनर्स प्राइज मनी एवं ट्रॉफी प्रदान करा कालीर मुख्य अतिथि भाव में आम मंत्री गणेश्वर बेहरा एवं कांग्रेस पूर्वतन मंत्री गणेश्वर बेहरा एवं आलोक लंका महोदय उपस्थित रहउछन्ती आमर स्थानीय सरपंच समिति सभ्य पूर्वतन सरपंच समस्त कर्मकर्ता यही आयोजन करमती प्रत वर्ष चालू रहा प्रभु श्री गोपाजी नाम से यह क्रीड़ा आयोजन करा सफल होबार धीरे धीरे लगी। गोपबंधु एवरग्रीन आंचलिक युव परिषद जो खेल हो तार खेल परिचालनार अध्यक्ष मो ना चक्रधर राज। आम फुटबॉल खेल 1984 मसीह आरंभ हो 2084 मसीह एपर्तंत पाखापाखि 39 वर्ष पाखापाखि हो फाइनल
ବିଳାସୁଣୀର ଫୁଟବଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଫୁଟବଲ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଉଥିବେ କୌଣସି ଖେଳରେ ତାହେଲେ ବିଳାସୁଣୀ ଏଭରଗ୍ରୀନର ଫୁଟବଲ ଖେଳ। ଏହି ଖେଳଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 16 ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇଦିନିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମକୁ ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି କରିଆସୁଛୁ। ଆମର ଖେଳର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଯେଉଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯୁବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛି ଆଜିକାଲିର ମୋବାଇଲ ବା ଆଜିକାଲିର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଆମକୁ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାକିରି ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ପୋଲିସ ବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ତେଣୁ ତା'ର ଏହା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।